छोटी सादरी में कोरोना वायरस के खौफ के चलते पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच छोटी सादरी सहित धौलापानी और अन्य जगहों पर गांव से दूर मजदूर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के निर्देश अनुसार निजी एवं सरकारी रोडवेज बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद होने से अपने घरों व गांवों से दूर दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूर वर्ग के लोग अपने घरों की ओर पैदल ही निकल पड़े हैं। धौलापानी थाना अधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि बुधवार को राजमार्ग 113 पर धौलापानी थाने के सामने चल रही नाकाबंदी के दौरान नीमच, चित्तौड़, निम्भायड़ा, कोटा सहित अन्य कई जिलों में दिहाड़ी मजदूर करने वाले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पीपलखुट, सुहागपुरा, घंटाली, अरनोद, रायपुरा, सामरगढ़ आदि गाँव के सैकड़ों लोग पैदल ही थाने के सामने से होकर अपने गाँव की ओर निकले हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा कोरोना वायरस की जानकारी के साथ में अपने मुंह पर रुमाल, कपड़ा आदि बांधने व एक दूसरे के बीच में दूरी बनाए रखने की भी हिदायत दी है। कोई भी मजदूर वर्ग भूखा नहीं रहे, इसके तहत पैदल चल रहे सभी मजदूर वर्ग के लोगों को भोजन करने व आदि की जानकारी भी दी है। साथ ही थाना अधिकारी ने इस तरह से पैदल चल रहे ग्रामीणों को अपने घरों तक पहुँचाने के लिए उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की है। छोटी सादरी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।